तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप एग्जाम से पहले 3 रिविजन्स कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, आप ऊपर आई बटन को टच कर वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डे वाइज प्लान बता दूंगा कि आपको किस तरह से करना है। जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था, फर्स्ट रिविजन में आपको 6 डेज पर सब्जेक्ट देना है और आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने अज्यूम किया है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओगे एंड जो उसका ड्यूरेशन होगा वो बेसिकली उस तरह होगा, आपका 7 आवर्स प्रैक्टिकल एटलीस्ट करोगे एंड 4 to 5 आवर्स थ्योरी एटलीस्ट करोगे, ठीक है। मिनिमम आप इतना तो स्टडी करोगे इफेक्टिवली। अब जो आते हैं इसके ऊपर, जो मैंने आपको ये दिया है वो मैंने 12 डे के हिसाब से दिया है। मतलब कि जब आप 2 सब्जेक्ट को उठाओगे तो जब आप एक सब्जेक्ट को 6 दिन दोगे तो 2 सब्जेक्ट के 12 डेज हो गए। तो सीधी सी बात है, 12 डेज का प्लान बना रहा हूँ जिससे कि आप अकाउंट्स करोगे हाफ उसमें एंड हाफ उसमें आप लॉ करोगे, तो 12 डेज हो गए, ठीक है। जो बच्चे सिर्फ 6 दिन में अकाउंट्स करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इसमें से जो 2 डेट्स हैं उनको 1 कर देंगे सीधा ही, ठीक है। 2 दिन को वो 1 दिन में सम अप कर देंगे, तो उनका जो 12 डेज का प्लान है वो 6 डेज में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कोई भी ऐसा वो नहीं करा है कि कोई चैप्टर मैंने छुड़वाया हो। मैंने यहाँ पे कोशिश ये करी है कि इसमें सबसे पहले आपका ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर अप हो जाए और पूरा 100% सिलेबस हो जाए, थ्योरी से लेके सब कुछ, ठीक है, और थोड़ा बहुत टाइम भी बच जाए। तो इसीलिए मैंने बनाया, थोड़ा इंपॉर्टेंट के हिसाब से बनाया, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करने को बोला है मैंने, तो प्लीज इसको फॉलो कर लेना एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो आपके जो डेज हैं वो 17 अक्टूबर से शुरू होने थे, जो मैंने उस रिविजन में बताया था। तो आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दे रहा हूँ, कल ही आपको लॉ का दे दूंगा जिससे कि आप अच्छे से कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट रिविजन में सबसे पहले आप कल के दिन क्या करोगे, सबसे पहले आपका 12 डेज का प्लान है ये, जो कि आपका कल से स्टार्ट होना है और मैं मान के चल रहा हूँ आप 7 आवर्स पर डे एटलीस्ट करोगे ही करोगे। अब आते हैं हम कल के दिन के ऊपर। सबसे पहले आप इनकम्प्लीट अकाउंट्स कर लोगे, ठीक है, जो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इसको हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं। इसको करने के पीछे रीजन क्या है, यह आपका जनरली हर बार पूछा जाता है। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाने को पूछेगा ही पूछेगा। जो नया पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली चीजें बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। जो चीजें मैंने आपको प्रिडिक्ट की थी और मैंने आपको उसी के हिसाब से एनालिसिस बताया था कि आपका पेपर पैटर्न वैसा होना चाहिए, और देख लो इंस्टीट्यूट ने एट द एंड वही चीज करी है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूं मैं, आपको उसके ऊपर क्लैरिटी खैर अलग से दूंगा। तो अब आगे 17 अक्टूबर के ऊपर आपने क्या करा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, 18 अक्टूबर को आप एनपीओ करोगे, ठीक। दोनों लगभग एक जैसे चैप्टर है, बस एनपीओ के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। 19 अक्टूबर को हम आते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ बैलेंसिंग। ये 2 चैप्टर मैंने एक साथ क्यों कर दिए, क्योंकि जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सिर्फ आपको एक बैड डेट और डेटर्स वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा ध्यान देना होता है, और बाकी सब कुछ आपका एक तरीके से सिंगल एंट्री की तरह है। वहां पे P&L ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट आपको एज इट इज बनाने होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट एज इट इज लगेंगे, इसलिए इस चैप्टर पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसीलिए आपको इसके साथ सेल्फ बैलेंसिंग दे रहा हूँ। सेल्फ बैलेंसिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 20 अक्टूबर के ऊपर आपको 2 चैप्टर करने, एक करना है आपको इंश्योरेंस क्लेम और उसके साथ करना है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, मैं ये बोलूंगा कि आप छोड़ो मत इसको, एटलीस्ट जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो कर लेना। उससे होगा ये, अगर मान लो इंस्टीट्यूट ने रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका लक अच्छा होगा तो आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो जनरली आपने अगर एग्जाम के क्वेश्चन कर लिए रेक्टिफिकेशन में तो आप जनरली जो एग्जाम के जो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा आप उसको इजिली कर लोगे, ठीक है। 21 अक्टूबर को भी आपको 2 चैप्टर करने, एक हायर परचेज, एक रॉयल्टीज। रॉयल्टीज आसान है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो एक फॉर्मेट देख लेना, उस फॉर्मेट में वैल्यूज डालने आनी चाहिए आपको कैसे डालती है, एंड रॉयल्टीज आपका हो जाएगा। रॉयल्टीज आपका अभी आने के चांसेस कम है थोड़ा पेपर में, बट हायर परचेज को जरूर कर लेना क्योंकि इसमें पूछने के चांसेस ज्यादा है। देन आते हैं 22 अक्टूबर को, आपको ब्रांच अकाउंटिंग करना है। ब्रांच अकाउंटिंग आप सभी को पता है, ब्रांच और डिपार्टमेंट, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 को आपको देन इमीडिएटली डिपार्टमेंट अकाउंट कर लेना है, एंड देन 24 को आपको करना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप काफी सारे बच्चे बोलते हैं भैया छोड़ दें क्या, और इनफैक्ट मैंने भी बोला था कि ये एकदम लास्ट में करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे सोचा कितना भी कर ले एग्जाम में ज्यादातर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि ये रियली बहुत बड़ा चैप्टर है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जो बच्चे इस टाइम है, ठीक है, इस टाइम सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो तो इजीली चीजों को कर लेंगे, बट जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। रीजन,
अब जो 24th अक्टूबर है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कैसे करनी है आपको? पार्टनरशिप आपको इस तरह से करनी है कि जो आपका एग्जाम के क्वेश्चन है वो कर लो, जो चैप्टर में आपको बोल रहा हूँ ना कि जो आप छोड़ना चाह रहे हो उसके सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन कर लो, आप इजीली चीजों को कर लोगे। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जो पेपर है वो पास्ट ईयर से भी आता है, तो आप अगर पार्टनरशिप पास्ट ईयर वाले कर लोगे तो जनरल जो आपका मेन मेन चीजें वो कवर अप हो जाएंगी, तो आप वो कर सकते हो वहां से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट उठ रहा होगा, बच्चे कह रहे होंगे भैया आपने बोध ग्रुप वालों को तो कम डेज बोला था। यस, आपको उसके अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा और कम कर लेना है, ठीक है। बोध ग्रुप का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, जो लोग बोध ग्रुप दे रहे हैं जो बच्चे उनको क्या कर रहा है, उनको मैंने 4 days दिए थे पर सब्जेक्ट, तो इसको उसी के अकॉर्डिंगली सम अप कर लेना है इसको, और मतलब आपको एक दिन में और एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा कर लेने हैं जिससे कि आपका जल्दी खत्म हो जाए, 12 days से कम 8 days में खत्म हो जाए। तो ये आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, ठीक है। जो कुछ चैप्टर आपके बहुत आसान होंगे, जो मतलब जो आपको लगता होगा यूं ही हो जाएंगे, उसे पूरा दिन नहीं लगेगा, तो बस उसको जल्दी सम अप करके दूसरा चैप्टर उठा लो, तो ये चीज है, ठीक है। 25 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड ये आपके पेपर में ऐसे जितने नहीं पूछे जाते जितना सीए एग्जाम्स में पूछा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट ऑल दो फिर भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जनरली आपको जो AS2 AS7 इस तरह के AS10 हो गया, ये वाले AS थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाले कर लेना। एंड जो आपका 26 को एंड 27 को मैंने 2 दिन आपके थ्योरी को दे दिए, क्योंकि थ्योरी आपके पेपर में इस टाइम ज्यादा पूछी जाएगी, क्योंकि एक तो आपका 30th का वो होगा जो एज इट इज आता था ट्रू फॉल्स MCQ फिल अप, ये तो पूछा ही जाएगा। साथ ही साथ आपको एक चीज और पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, जो आपको वन वर्ड में 20 questions दे रहा है इंस्टीट्यूट, जिसमें पहले टाइम लिमिट लगा रखी थी, अभी मैंने सुना है कि शायद वो टाइम लिमिट हट जाएगी। तो कुल मिला के ये चीज है। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो जब आप थ्योरी करोगे, थ्योरी को आपको सबसे पहला अपने स्टडी मैट में से जो चैप्टर के आगे 2-3 pages की थ्योरी होती है उसको तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसको अच्छे से करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही वो खत्म हो जाए उसके बाद आपको बिट क्वेश्चंस करने हैं, बिट क्वेश्चंस करने के बाद आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने हैं। अगर आप बिल्कुल ही नॉर्मल रहना चाहते हो, ज्यादा वो तामझाम नहीं करना चाहते, स्टडी मैट प्लस स्कैनर ये 2 चीज कर लो, इजीली हो जाएंगी चीजें। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, आपको PDF मिल जाता है, PDF कर लो, चाहे वो किसी भी अटेम्प्ट का है। अकाउंट्स में ऐसा अमेंडमेंट नहीं आती है, अगर कोई आई होगी तो उसको मैनेज कर लेना, अदरवाइज आपका अकाउंट्स में सिलेबस जनरली सेम रहता है। तो आपके पास जो भी प्रीवियस स्कैनर है, कोई मान लो December 2019 का या 2020 का कोई स्कैनर है, तो आप उससे भी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड 28th को आपको जो अब लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर्स एंड कोई भी अदर टॉपिक अगर कोई रह गया, वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर कोई अदर टॉपिक रह गया तो वो इस दिन कर लेना, और अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये वो वाले चैप्टर है जो ज्यादातर इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है। आपको इसी तरह अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जिनके बोथ ग्रुप हैं उनको थोड़ा फास्ट करना है, सिंगल ग्रुप वाले तसल्ली से 12 दिन में भी करेंगे तो भी चलेगा, बट जो बोथ ग्रुप वाले हैं उनको 8 days में खत्म करना है। अगर आप एक दिन में 2 subjects उठाते हो तो, और अगर आप सिंगल उठाते हो तो 4 days में आपको एटलीस्ट खत्म करना ही करना है, ठीक है। कुछ कमेंट मुझे रिसीव होते हैं, भैया अभी तक हमारा 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 40% कंप्लीट हुआ है या 50% कंप्लीट हुआ है, उनको मैं बोलूंगा कि आप लोग मेरी एनालिसिस वाली वीडियोस देख सकते हो, मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, आप देख सकते हो। वहां से आपको क्या चीजें करनी है, एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपका लग रहा है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर अभी आप पैनिक कर रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो। उससे फायदा आपको ये होगा कि आप जो मैक्सिमम पेपर होगा वो अटेम्प्ट कर सकोगे, क्योंकि काफी सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो ना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो आपका टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट होगा, जॉइंट वेंचर होगा, इतनी बार नहीं पूछा जाता। अब लक खराब हुआ तो हो सकता है आप छोड़ के और पूछ ले, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। तो आप अगर सिलेक्टिव बेसिस पे चलोगे तो उसमें ये होगा कि आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो, अगर इतना पैनिक करोगे तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा स्मार्टली खेलो और एटलीस्ट पासिंग मार्क्स के लिए आओ ना, 50 मैं पासिंग मार्क्स मानता हूँ, 40 को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, एटलीस्ट 50 मार्क्स तक तो स्कोर करो, जिससे आपका ग्रेड भी बन जाए और दिक्कत भी ना हो कोई। तो ये चीजें थोड़ा सा करो और थ्योरी के ऊपर अच्छे से ध्यान दो। जब 2 दिन दिया ना मैंने थ्योरी को, तो 2 दिन ही देने। आप लोग ये मत करना कि थ्योरी को हल्के में ले रहे हो, हल्के में मत ले लेना, क्योंकि थ्योरी आपकी एटलीस्ट 40 marks की है, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, और शॉर्ट नोट वगैरह आएगा तो ज्यादा के बैठेगा। तो प्लीज थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर ज्यादा टाइम देना इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आपके कम मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, या फिर ये कह लो इस टाइम 50-50 का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, जिन्होंने नहीं देखे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड यस, आप लोग मेरे से नीचे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो यस, आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए चैनल के ऊपर एंड आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना चैनल को एंड लाइक करना आप सारे के सारे वीडियो को,
कमेंट करना आपको और कुछ तरह की वीडियो चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप मेरे से नीचे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो, नीचे मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, तो आप जाके मेरे चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, चैनल पे भी हो सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।